कहत कबीर, सुनो भाई साधो, आज हम बात करेंगे समय के सबसे बड़े सत्य काल के बारे में। संत कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से काल की अनिवार्यता और हमारे जीवन पर उसके प्रभाव को अद्भुत ढंग से समझाया है। इस वीडियो में हम संत कबीर जी के उन दोहों को समझेंगे जो काल के गहरे अर्थ और सत्य को प्रकट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने की शुरुआत हो सकती है। पहला दोहा इस प्रकार है, आस पास जोधा खड़े सबे बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा परबल काल। भावार्थ, संत कबीर जी कहते हैं, आस पास और निगरानी में बड़े बड़े योद्धाओं के पहरे के बावजूद काल बीच महल से राजा को अपने साथ ले चला जाता है और सभी गाल बजाते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं। काल ऐसा प्रबल है कि वह किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। अगला दोहा इस प्रकार है, कबीर टुक टुक चोंगता पल पल गई बिहाय, जिन जंजाले पड़ी रहा दियरा यमामा आए। भावार्थ, इस दोहे में संत कबीर जी हमें जीवन की क्षण भंगुरता का बोध करा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही कम है, ये पल पल बीतता जा रहा है, हम इस जीवन को व्यर्थ में ही गवा रहे हैं, हम सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए हैं और इतने में ही मृत्यु आकर हमें इस जीवन से छीन लेती है। अगला दोहा इस प्रकार है, जो उगे सो आथवे फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो ढी पड़े जन्मे सो मरी जाए। भावार्थ, इस दोहे में संत कबीर जी बताते हैं, जो उगता है वह ढलता भी है, जो फूल खिलता है वह एक दिन मुरझा जाता है, जो घर बनाया जाता है वह एक दिन टूट जाता है, और जो मनुष्य जन्म लेता है वह एक दिन मर जाता है। आशय है कि मनुष्य के द्वारा जो भी रचित होता है उसका कोई स्थायित्व नहीं होता, इस संसार में सब कुछ नश्वर है। अगला दोहा इस प्रकार है, बेटा जाए क्या हुआ कहा बजावे थाल, आवन जावन होए रहा जो कीड़ी का नाल। भावार्थ, पुत्र के जन्म के समय जश्न मनाने पर संत कबीर जी कहते हैं कि क्या हुआ जो तुमने बेटे को जन्म दिया है, या तुम्हारे घर पर बेटे का जन्म हुआ है, तुम क्यों थाली बजा रहे हो, आना जाना तो लगा ही रहता है जैसे कीड़ी की कतार। इस दुनिया में जन्म और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति इस चक्र से बच नहीं सकता। अगला दोहा इस प्रकार है, कबीर गाफिल क्यों फिरे क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा जो अंधियारे चोर। भावार्थ, इस दोहे में संत कबीर जी का कथन है कि तुम किस भरम में हो, तुम क्यों अज्ञान की निंद्रा में सो रहे हो, तुम्हारे सरहाने यम खड़ा है जैसे कि अंधेरे में चोर खड़ा हो। आशय है कि यम भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन वह कभी भी आ सकता है। संत कबीर जी के ये दोहे हमें काल की सच्चाई को समझने और जीवन को सही दिशा में जीने का मार्ग दिखाते हैं। काल अटल है, लेकिन यह हमारे जीवन को जागरूकता और कर्म से भरने का एक अवसर भी है। धन्यवाद।